दिस इज आशा एंड वेलकम टू माई चैनल। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं सो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें एक बेल बटन भी आता है उसको भी क्लिक कर देना तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी। सो आज मैं वीडियो करूंगी मेकअप की, और दिस इज माई फर्स्ट मेकअप वीडियो ऑन माई चैनल, एंड इसीलिए मैं सबसे पहली वीडियो बिगिनर्स के लिए करने का प्लान करा है मैंने। सो ये वीडियो विल बी फॉर बिगिनर्स, एंड हर एक मतलब वीडियो के साथ मैं जैसे जैसे मेकअप करूंगी साथ साथ में मैं आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स भी दिखा दूंगी जो मेरे कॉम्प्लेक्शन और मेरी स्किन के से मैच करते हैं, तो आप उसमें अपने स्किन के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स और जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ उसका भी मैं आपको बता दूंगी, बट आप चाहो तो दूसरा ब्रांड भी ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। तो सबके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं भी अपने बाल पीछे टाई कर लेती हूँ। सो गाइज, मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉइस्चराइजेशन। सबसे पहले फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन। फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये निविया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो गाइज, मॉइस्चराइज करने से पहले मेक श्योर कि आप अपना फेस क्लीन कर लें। मैंने फेस वॉश कर लिया था, तो आप भी कुछ क्लेंजर से या फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लीजिएगा, और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद स्किन को थोड़ा सा 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट देना, थोड़ा सेटल होने देना मॉइस्चराइजर को, अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज हो जाए, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द मेकअप। सो गाइज, मेरा फेस हो गया मॉइस्चराइज, अब मैं यूज करूंगी प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं ये मेबेलिन का मास्टर प्राइम ये यूज कर रही हूँ। आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन। मेरे अभी थोड़ी एक्ने है तो ये रेडिश स्किन के लिए है, तो उसके लिए मैंने ये वाला मैं यूज कर रही हूँ। ये आपकी स्किन को थोड़ा स्मूथ कर देता है बिफोर अप्लाइंग मेकअप, और एक काइंड ऑफ एक कैनवस आप रेडी कर लेते हो कि मेकअप करने से पहले, और आपके ओपन पोर्स, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, वैसे मेरे भी हैं पर मैंने अभी एक्ने वाला यूज किया है, तो आप ओपन पोर्स के लिए भी मिनिमाइजिंग पोर्स वाला जो प्राइमर्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हो। प्राइमर लगाने के बाद भी हम बस 2 मिनट्स वेट करेंगे बिफोर अप्लाइंग एनी कंसीलर और फाउंडेशन। सो अभी सबसे पहले मैं यूज करूंगी एक कंसीलर टू कंसील माय एक्ने मार्क्स, जो मेरे यहाँ पे सारे मार्क्स हैं और ये एक्ने भी हो रहा है उसको हाइड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस एले गर्ल प्रो कंसील। सो दिस वन, दिस इज इन द शेड वॉर्म हनी। सो दिस इज डिपेंड ऑन बेस्ड ऑन माय स्किन कलर। सो इस को अप्लाई करने के लिए इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसमें जस्ट प्रेस करो और इसके ब्रश से उसको स्प्रेड कर लो। मेरे यहाँ डार्क सर्कल्स हैं, सो मैं उसको भी हाइड करने के लिए यही कंसीलर यहाँ लगाऊंगी। अगर मैं किसी प्रोडक्ट का शेड मेंशन करना भूल जाऊं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका ऐड कर दूंगी, तो आप वहां चेक कर लेना। थोड़ा सा मैं लिप्स के आसपास लगाऊंगी, यहां पे थोड़े से डार्कनेस है और थोड़ा नोज के पास। अब इसको स्प्रेड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर। मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर से बाकी मेकअप भी करूंगी अपना, बाकी फाउंडेशन सब इसी से ही करूंगी। सो इस ब्लेंडर को मैंने पहले पानी में पूरा निचोड़ के मतलब पानी में डाल के इसका पूरा पानी निचोड़ दिया है। दिस इज अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप ड्राई यूज करते हो तो सही से स्प्रेड नहीं, आपका अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा मेकअप और फ्लेकी फ्लेकी सा दिखेगा। सो मेक श्योर कि आप उसको पहले गीला कर लो और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लो एंड देन यूज इट। आइस के नीचे मेक श्योर जब भी आप कंसीलर को अप्लाई करो या मर्ज करो ऑलवेज डैम्प इट। कभी उसको स्वाइप करके मत लगाओ, हमेशा उसको डैम्प ऐसे डैम्प कर करके इस तरह लगाना है, वरना क्रीसेस बनने के चांसेस होते हैं।
ऑल्दो क्रीसिस को छुपाने के लिए अभी हम उसको पैक करेंगे, बट स्टिल आप हमेशा उसको डैम्प इस तरह डैप डैप करके लगाना, नॉट डैम्प डैप डैप करके लगाना. सो या ओके. सो मैंने रेड मार्क्स को तो अपने छुपा दिया है थोड़ा, बाकी हम फाउंडेशन लगाएंगे उससे थोड़ा और हाइट हो जाएगा. सो फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन. सो गाइज दिस फाउंडेशन इज लाइक ये सबकी स्किन को सूट करता है. दिस इज अल्टीमेट, मतलब अगर आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो आपको बहुत ज़्यादा वैसे आपके पार्टी मेकअप पे भी चलेगा ये, बट दिस इज अ वेरी गुड फाउंडेशन. दिस इज लाइक अ स्टेपल फाउंडेशन जो आपके पास होना चाहिए. ऑल्दो यू कैन ट्राई अदर फाउंडेशन एज वेल, बट दिस इज ऑलवेज लाइक मैचिंग एवरी स्किन एंड एवरीथिंग. सो मैंने अभी इतना लिया, ये थोड़ा मेरे से एक्स्ट्रा निकल आया था वो मैंने वापस डाला है. एक्चुअली में इट इज एक्चुअली स्प्रेडिंग, वो थोड़ा गीला होने से फैल रहा है, बट ये ज़्यादा नहीं है, इतना लिया है मैंने. इसका मैं डॉट डॉट अपने फेस पे पूरे पे स्प्रेड करूंगी. बहुत ज़्यादा हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत मोटी लेयर फाउंडेशन की नहीं रखनी. सो मैं इसका शायद आपको मेंशन करना भूल गई थी शेड. सो दिस इज 238 रिच टैन. अगेन विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम मर्जिंग दिस फाउंडेशन. अगेन मैं इसको डैप करके पूरा लगा रही हूँ. आप फाउंडेशन ब्रश जो आते हैं आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे इससे ब्लेंड करना ज़्यादा बेटर लगता है. सो ये जो मैंने कलर लिया ये फाउंडेशन का कलर मेरी स्किन से बिल्कुल मैच होता है. सो जो भी आप शेड लो वो शेड आपकी स्किन से मैचिंग होना चाहिए. मेक श्योर दैट लाइट या डार्क ना हो, आपकी स्किन से मैच करता हो. सो गाइज मैं ना अभी लिप्स को मॉइस्चराइज करना भूल गई थी जब मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था, तो आप भी तभी लगा लेना मॉइस्चराइजर. मैं अब लगा रही हूँ. सो दिस इज निविया का मॉइस्चराइजर विच आई एम यूजिंग. आप कोई भी लिप्स मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हो. अभी मैं लगा रही हूँ कंसीलर, ये है शुगर का मैजिक वॉन्ड कंसीलर. दिस इज इन द शेड 40. ये मेरे शेड से एक शेड लाइट है बिकॉज इस कंसीलर का पर्पस जो मैं भी लगाऊंगी वो ये है कि मैं उसको हाईलाइट कर सकूं अपने अंडर आई एरिया को, नोज ब्रिज को, इन सबको हाईलाइट करने के लिए मैंने एक शेड लाइटर कंसीलर यूज किया है. सो पहले हमने जब कंसीलर लगाया था तब हमने रेड मार्क्स को हाइड करने के लिए अपने जो भी फेस पे ब्लेमिशेस हैं या डार्कनेस है कहीं पर उन सबको हाइड करने के लिए किया था. एंड दिस इज फॉर हाईलाइटिंग. सो यू कैन यूज कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग योर एरियाज एज वेल. फोरहेड पे बस इतने एरिया पे यू शुड अप्लाई द कंसीलर इस तरह से एंड जस्ट स्प्रेड इट. सो मैंने लगाया अंडर आईज पे, नोज ब्रिज पे, फोरहेड पे, अपर लिप में, यहाँ बो में और चिन पे. अगेन विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम मर्जिंग दिस, आई एम ब्लेंडिंग दिस बेसिकली. सो इसी कंसीलर से मैंने थोड़ा सा अपना आईलिड्स पर भी अप्लाई कर दिया था, बिकॉज जब हम आई शेडो करेंगे, अगर हमने पहले कंसीलर लगाया होता तो आई शेडो के कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं और एक प्राइमर का काम कर देता है हमारे लिए ये. सो आफ्टर अप्लाइंग दिस कंसीलर आई एम गोइंग टू पैक दिस विद अगेन अ शुगर ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर. आप कोई भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं. तो जब भी आप कंसीलर लगाओ तो उसको जस्ट कंसीलर के बाद सबसे पहले उस एरिया को पैक कर लो, बिकॉज कंसीलर के नीचे जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ पे क्रीसेस बनने के बहुत चांस होते हैं, तो इसलिए उसको जल्दी से पैक कर लो. तो इसलिए सबसे पहले मैं भी जब पैक करूँगी उसी एरिया को पैक करूँगी जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है. अब इस बनाना पाउडर को मैं अप्लाई करूँगी एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से
पहले जो मैंने यूज किया था वो वेट था, ये मैंने एक दूसरा लिया है और ये ड्राई है। अभी इसको हम ऐसे ही थोड़ी सी देर लगे रहने देंगे और साथ में हम शुरू करेंगे कॉन्टूरिंग। सो आफ्टर अप्लाइंग द बेस हमारा फेस थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो उसको थोड़े से कट्स देने के लिए हम कॉन्टूरिंग करते हैं। मेरे को अपने फेस पे कॉन्टूरिंग इतनी नहीं करनी पड़ती बिकॉज मेरे कट्स वैसे आ जाते हैं फेस पे, बट जिनका फेस बहुत चबी होता है या जिनकी डबल चिन होती है, दे कैन यूज कॉन्टूरिंग टू गिव शेप टू देयर फेस। तो उसके लिए मैं अगेन शुगर का यूज कर रही हूँ कॉन्टूर स्टिक। सो दिस इज द स्टिक, दिस इज इन द शेड फॉन फर्स्ट। कॉन्टूर को जब आप लगाओ तो कोशिश करो जो यहाँ पे आपका बाल वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे ज्यादा लगा के देन उसको बिल्डअप करो आगे, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा लग गया तो इस एरिया में इतना छुप जाता है और फील नहीं होता। अगर फेस के ऊपर ज्यादा आएगा तो वो अलग से दिखेगा। ये मैंने नोज के कट्स देने के लिए लगाया है, यहां मैं थोड़ा सा लगाऊंगी कट्स के लिए, बट मुझे अगेन यहाँ पे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती कॉन्टूरिंग की। एंड थोड़ा सा फोरहेड पे। सो लाइक जैसे जब सनलाइट हमारे फेस पे पड़ती है तो जहां हमारे फेस पे एक शेडो पड़ती बनती है वो वाला लुक, और वैसा देने लुक देने के लिए हम कॉन्टूरिंग से कर सकते हैं, कॉन्टूरिंग और यू कैन यूज अ ब्रॉन्जर ऑल्सो। अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको स्प्रेड कर रही हूं। दिस इज अगेन अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर, आप इसके लिए भी कॉन्टूर ब्रश यूज कर सकते हो। और कॉन्टूरिंग हल्की करना ही सही रहेगा क्योंकि कभी कभी हमें अंदर घर के अंदर लाइक मेकअप करते हुए फील नहीं होता कि कॉन्टूरिंग सही से हुआ है या नहीं, बट वो एक्चुअली में हो चुकी होती है और वो बाहर जब आप जाओगे तो वो अलग सा लगता है। तो इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा कम करके चलो, उसको ओवर मत करो। और जरूरी नहीं है ये स्टेप करना, अगर आपके फेस में ऑलरेडी काफी अच्छे कट्स हैं तो आपको ये जरूरी नहीं है, मतलब अगर आपका फेस बहुत चबी है देन यू शुड डू द कॉन्टूरिंग, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। सो नाउ आफ्टर अप्लाइंग द कॉन्टूर आई नाउ पैक माई फेस। जो अभी तक हमने जितने भी क्रीम्स सब कुछ लगाई हैं उसको हम पूरा पैक करेंगे कॉम्पैक्ट से, और अब मैं इसको पाउडर को भी रिमूव कर दूंगी। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग अ पाउडर ब्रश। दिस इज अ पाउडर ब्रश फ्रॉम अ सेट आई गॉट, तो मैं उस सेट का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। उसके अंदर 4-5 ब्रशेज हैं। काला ब्रांड का एक ब्रश है ये, मैं आपको शेयर कर दूंगी उस पूरे किट का लिंक। आई गॉट दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट। फॉर कॉम्पैक्ट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट, दिस इज इन द शेड 230 नेचुरल बफ। इस पे मैं कॉम्पैक्ट लूंगी, डस्ट ऑफ कर दूंगी एक्स्ट्रा को एंड देन विल अप्लाई इट वेरी लाइटली। को मैं थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई करूंगी बिकॉज मैंने वहां भी फाउंडेशन लगाया था। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप फाउंडेशन लगाओ फेस के साथ साथ नेक पर भी लगाना, बिकॉज अगर आप नहीं लगाओगे तो हल्का सा जो वो डिफरेंस होता है वो दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो जो भी आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो उसी को ही थोड़ा सा अपने नेक पर भी यूज कर लो एंड देन सेम विद कॉम्पैक्ट। सो गाइज अब हमारा बेस हो गया है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द आईज। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक ब्लश तो किया नहीं, तो वो मैंने एक्चुअली जान के नहीं किया है क्योंकि पहले मैं आईज करूंगी एंड आईज से कभी हमारा जो फॉल हो जाता है हमारे चीक्स पे या कुछ,
तो वो हमारा साथ साथ में ब्लश और पाउडर के साथ वो क्लीन हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, उसको मैं बाद में करूंगी आईज के बाद। सो अब हम आईज करेंगे और आईज में सबसे पहले मैं करूंगी आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूं ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल। आईब्रोज के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता अगेन, क्योंकि मेरे ऑलरेडी सी काफी थिक आईब्रोज हैं, तो जिनकी काफी थिन हो दे कैन लाइक फेक इट विद द आईब्रो पेंसिल। मैं उनको बस थोड़ा सा शेप देने के लिए और कहीं कहीं पे जहां मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगती है उसको फिल करने के लिए मैं बस इसको यूज करूंगी, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं करूंगी। सो आईब्रो पेंसिल अप्लाई करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा प्रेशर मत अप्लाई करो, क्योंकि बहुत डार्क भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके करोगे, और पहले हमें एक्चुअली देखने में लगता है कि शायद नहीं हुई, बहुत लाइट है, बट एक्चुअली में वो जब पूरा बिल्ड हो जाती है ना तो वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। तो जस्ट अप्लाई लाइट लिटिल प्रेशर, बहुत लाइट सा रखो, एंड उसके बाद जस्ट सी कि वो एक्चुअली में हो गई होती है। और मैंने जस्ट नोट कि मैंने ब्राउन कलर यूज किया है, क्योंकि अगर मैं ब्लैक यूज करती तो मेरी ऑलरेडी काफी ब्लैक है, वो बहुत अलग सा ब्लैक डार्क सा लगता, तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर यूज किया है। आप वैसे अपनी आईब्रो के कलर के हिसाब से भी ये ले सकते हो, मेरा ब्लैक में ही है बट स्टिल आई एम यूजिंग अ डार्क ब्राउन कलर। सो सी द डिफरेंस बिटवीन द टू आईब्रोज, बस इसमें प्रॉपर शेप आ गई है, और जहां थोड़ा सा मिसिंग था बस मैंने उसको फिल किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। आईब्रोज करने से पहले आप हमेशा जो हमारे आईब्रो के हेयर होते हैं उसको इस तरह ऊपर कॉम करो, सो दैट नीचे का आपको खाली मिल जाए और आप आराम से यहाँ पे शेप दे दो। एंड देन कॉम देम डाउन, और इसी तरह से ऊपर शेप दे देंगे। डायरेक्शन में हमारे बाल है उसी डायरेक्शन में मैं कलर फिल कर रही हूं, और अब मैं इनको वापस कॉम कर दूंगी स्पूली से। सो ये स्पूली इसमें पीछे ही आती है, काफी पेंसिल्स में पीछे ही आपको स्पूली मिल जाएगी, अदरवाइज स्पूली के अलग ब्रशेस भी आते हैं। तो फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट। इसके अंदर मैं यूज करूंगी, ओके फर्स्ट आई शो यू द ब्रश विच आई यूज, दिस इज द ब्रश दैट आई एम यूजिंग। ये उसी सेट में से है जो मैं आपको बता रही हूँ फ्लिपकार्ट का, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दिस इज अ फ्लफी ब्रश, इस तरह से फैलता हुआ फ्लफी ब्रश है। इस पे मैं सबसे पहले ये ट्रांजिशन कलर है ये अप्लाई ये लूंगी। ऑलवेज स्टार्ट विद अ लाइट कलर फॉर आई शेडोज एंड बिल्ड ऑन इट, कभी भी आप एकदम डार्क कलर से स्टार्ट मत करो, लाइट कलर से करो, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू डस्ट ऑफ द एक्सेस। सी मैं इसको यहां पे जस्ट रख रही हूं कलर को, एंड देन इसको गोल घुमा रही हूं, और फिर इसको अपनी क्रीज और क्रीज से ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर रही हूं, क्योंकि मैंने फ्लफी ब्रश लिया है तो मैं इसको जब मैं अपनी क्रीज पे रन कर रही हूँ तो वो उससे ऊपर भी थोड़ा जाएगा और हल्का सा अंदर भी आ जाता है। सो जस्ट बिल्ड ऑन इट, उसके ऊपर आप और हल्का सा लो लगाओ, बट एकदम से बहुत ज़्यादा कलर मत लगाओ, धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्ड करो, और अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको और डार्क करना है देन टेक मोर, एंड उसके बाद अगर आपको डार्क कलर अप्लाई करना है तो उसके ऊपर अप्लाई करो। उससे क्या है थोड़े गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं, एंड ट्रांजिशन भी बहुत अच्छा आता है, मतलब दो कलर्स का लाइक लाइट एंड डार्क का ट्रांजिशन भी अच्छा आता है। जस्ट ब्लेंड इट लाइक दिस। सो गाइज मेरा इस आंख में ऑलरेडी कलर हो गया, अब मैं लेफ्ट आई में सेम कलर करूंगी सेम तरह से। सो अब मैं यूज करूंगी एक छोटा ब्रश, दिस इज अ रैंडम ब्रश दैट आई गॉट फ्रॉम अ शॉप,
इसका मैं लिंक तो नहीं दिखा दे पाऊंगी, बट जो भी आपके पास इस टाइप का थोड़ा छोटे मुंह वाला ब्रश हो वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं कलर यूज करूंगी दिस वन, ये इस पर अप्लाई किया, अगेन डस्ट ऑफ द एक्सेस। इसको मैं अगेन यहाँ कॉर्नर में अपने रखूंगी कलर को, इसको गोल घुमाऊंगी यहीं पर, एंड इसको मैं अगेन क्रीज पे ले जाऊंगी, बट बहुत इसको रिस्ट्रिक्टेड तरीके से लगाऊंगी कि ये मेरी क्रीज के अंदर ही रहे। इसीलिए मैंने ऐसे छोटे मुंह वाला ब्रश यूज किया है, क्योंकि इससे हमारे पास हमारे इजी होता है कि हमारे क्रीज से बाहर ना जाए कलर। ऐसे मैं अंदर इनर कॉर्नर्स में भी इसी कलर को अप्लाई करूंगी। अब इसी ब्रश से मैं इस कलर को यूज करूंगी, ये लगाया, डस्ट ऑफ किया, एंड अगेन कॉर्नर्स पे इसको और थोड़ा डार्क और स्मोकी देने के लिए यहाँ अप्लाई करूंगी। सिमिलरली इसको भी मैं इनर कॉर्नर्स में अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई में अप्लाई करूंगी, एंड देन विल मर्ज दीज। मैं अगेन वो फ्लफी ब्रश यूज करके एक बार इनको आपस में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे हम। दिस इज गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि हमारे कलर्स का अलग से दिखता है कि पहले ये कलर दूसरा, तो वो जो ट्रांजिशन सा जो प्रॉपर दिखता है ना, मतलब वो वैसा लाइंस नहीं आनी चाहिए बेसिकली ट्रांजिशन की, एक स्मूथ सी ट्रांजिशन होनी चाहिए। सो उसके लिए विल जस्ट ब्लेंड दीज कलर्स। अभी मैं थोड़ा सा कंसीलर ले रही हूँ, एक बहुत छोटे से ब्रश पे। दिस इज अ ब्रश इन अ सेट आई गॉट फ्रॉम मिनीसो, मतलब कोई भी ऐसा फ्लैट सा छोटा ब्रश आप ले सकते हो। उस पर ये मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया, और इसको मैं अपनी सेंटर में, आईज के सेंटर में लगाऊंगी। एंड गाइज यू डोंट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन डूइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे हम एक शिमर वाला शेड देंगे, एंड वो जस्ट हम बाकी कलर्स का मर्ज करेंगे। सो इट्स फाइन अगर यू आर नॉट वेरी प्रिसाइज हेयर, जस्ट बी इन द सेंटर ऑफ द आई। अब मैं इस पैलेट से ये वाला कलर लूंगी, गोल्डन शिमर वाला, और इसके लिए मैं ये एक फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। दिस इज अगेन अ रैंडम फ्लैट ब्रश विच आई हैड, आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो इसके लिए। इसको मैं वहां लगाऊंगी जहां मैंने अभी कंसीलर अप्लाई किया है। सो नाउ अगेन इसको हम आपस में मर्ज करेंगे अच्छे से विद अगेन दिस ब्रश। इस पे मैं फिर से वही थोड़ा सा डार्क वाला शेड ले रही हूँ, ये वाला दिस वन, और इस सो दैट यहाँ पे एक अलग सी लाइन ना आए इनके मर्ज होने की। सो जस्ट इनको आपस में इस तरह बस गोल गोल हल्का सा जस्ट मर्ज हियर। सो गाइज दिस पार्ट इज डन, अब सेम चीज मैं इस आंख में भी अप्लाई करूंगी। तो ये हमारी दोनों आंख आईज हो चुकी हैं। अब मैं इसी ब्रश से आई के नीचे में अपने लोअर वाटर लाइन के बहुत पास से इसी कलर को थोड़ा यहाँ से ऐसे लगाऊंगी।
तो मैंने अभी इसके अंदर और कलर नहीं लिया, जो मैंने मर्ज करते हुए लगाया था वही है, उसी को ही मैंने नीचे और लगाया है बस। नाउ विद दिस आई लुक आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई ब्लैक आईलाइनर। मैं ब्लैक आईलाइनर तो नहीं लगाऊंगी, बट मैं इसी में ही थोड़ा सा ब्राउनिश सा, जस्ट एक हल्का सा शेड देते हुए सा लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं अगेन यही सेम कलर, इसी पैलेट में से ये वाला कलर यूज करूंगी, डार्क ब्राउन। और इस टाइप का एक ब्रश है ये, इसको मैं सिर्फ एक एज अ आई लाइनर यूज करूंगी, जस्ट वो स्मोकी सा लुक, बिकॉज मैं चाह रही हूँ, तो मैं इसलिए बस एक इस पर लाइनर अप्लाई नहीं करना चाह रही। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई अ लिटिल बिट लाइन, आई मीन अ वेरी स्मॉल लाइन विद दिस कलर। दिस इज द ब्रश एंड दिस इज द कलर। सी बहुत लाइट सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इस पर एक लाइट सी ब्राउन लाइन आ रही है जो यहाँ पर अभी नहीं है, बस मैं इतना ही शेड चाह रही थी। इफ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई अ लाइनर, अ ब्राउन लाइनर ऑल्सो और अ ब्लैक लाइनर, बट आई थिंक ब्लैक लाइनर की लुक इसके साथ उतनी नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ द शेड्स दैट वी हैव अप्लाइड। अब मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और आई एम यूजिंग दिस नाइका आई लाइन आई ब्लैक काजल। इसको सबसे पहले मैं अपनी अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। इसी से मैं नीचे वाली वाटर लाइन पर भी लगाऊंगी। अब मैं इस काजल को थोड़ा सा स्मज करूंगी, मैं पूरा ब्लैक लुक नहीं चाह रही हूँ अपना। सो आर आईज आर डन, अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस लॉरियल वॉल्यूम मिलियन लैशेज मस्कारा। मैं अभी इस लुक के लिए फेक लैशेज अप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे लैशेज काफ़ी ऑलरेडी बड़े एंड थिक है, तो मैं जस्ट एक वॉल्यूम ऐड करने के लिए वॉल्यूम वाला मस्कारा यूज कर रही हूँ। इसी को हम लोअर लैशेस पर भी लगाएंगे। लोअर लैश पे बहुत केयरफुली लगाना बिकॉज उसमें बहुत चांस होते हैं कि वो आपके नीचे स्किन पे टच हो जाए। सो अब हमारी आईज हो गई हैं। नाउ मैं इस ब्रश से जो हमारा एक्सेस फॉल आउट हुआ है यहाँ पे शेडो कलर्स का, उसको जस्ट डस्ट ऑफ कर देंगे। एंड इसीलिए मैंने अभी तक ब्लश नहीं लगाया था, सो ये हमने डस्ट ऑफ कर दिया एक्स्ट्रा। नाउ वी विल यूज ब्लश, एंड फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी ब्लश। और इसके लिए मैं ये ब्लश वाला ब्रश यूज कर रही हूँ, दिस इज अगेन फ्रॉम दैट सेट जिसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये हमने इसमें लिया एक्सेस को डस्ट ऑफ एंड देन अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पर अप्लाई करना है। नाउ विल यूज दी हाईलाइटर, और हाईलाइटर के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर। सो ये काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक हाईलाइटर नहीं लिया है सो प्लीज़ गो फॉर दिस वन, दिस इज अ वेरी नाइस हाईलाइटर। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग टू अप्लाई हाईलाइटर आई एम यूजिंग अ फैन ब्रश। फैन ब्रश इस तरह का कोई भी आप यूज कर सकते हो, ये भी मेरा एक रैंडम फैन ब्रश है। इसको मैंने इस पे जस्ट ऐसे लिया एंड अपने आई के नीचे इस बोन पे आई विल जस्ट अप्लाई इट हियर ऐसे। सो जो आपके हाई पॉइंट्स हैं जिस पे आप एक
अलग से हाईलाइट, मतलब जैसे लाइट पड़ती है तो इट शाइन्स, तो वैसे आप लुक देने के लिए यू पुट द हाइलाइटर देयर। इस हाइलाइटर को अभी मैं अप्लाई करूंगी अपनी नोज ब्रिज पे, पॉइंट ऑफ द नोज पे, फोरहेड पे, क्यूपिड बो पे और अपनी चिन पे। थोड़ा सा मैं यहाँ जॉ लाइन पे अपने इधर भी अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए, मैंने छोटा ब्रश लिया है, इसको मैंने लिया है अपनी इनर आई, इनर कॉर्नर ऑफ द आई पे लगाने के लिए। कोई भी स्मॉल ब्रश जैसे आपको मेकअप पैलेट्स में या आई पैलेट्स में जनरली मिल जाते हैं, आप वैसा कोई ब्रश यूज कर सकते हो। इसी हाइलाइटर को मैंने इधर भी लगा दिया एंड ऑल्सो ऑन द आईब्रो लाइन, अंडर आईब्रो लाइन। नाउ आवर मेकअप इज डन, बस लिपस्टिक रह गई है। उससे पहले हम मेकअप स्प्रे से, आई एम यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा का मेकअप सेटर, दिस मेकअप फिक्सर आई यूज, इसको जस्ट दूर से इस तरह स्प्रे करना है। And let it dry. So now I'm using this lipstick, Jacqueline Mad About Matte, and this is in the shade Coffee Date. ये एक liquid lipstick है, nude सा shade है इसका, see. This is a liquid lipstick, but ये dry होके बहुत प्यारा matte look देता है। So अभी मैं ready होती हूँ, tops पहनती हूँ कुछ और फिर आपको दिखाती हूँ, तब तक ये भी dry हो जाएगा। So guys, अब हम हो गए हैं ready और मैंने ये tops पहने हैं। These are the tops जो मैंने Miniso से लिए थे। अगर आपको भी लेने हो, आपको Miniso पे अभी तो collection में मिल जाएंगे। और I hope आपको मेरी video अच्छी लगी हो और मेरा makeup अच्छा लगा हो। So this is the video that I created for beginners. अगर आप beginner हैं तो please इस look को जरूर try करना। मैंने हर product का description box में mention कर दिया है, आप वही आप वो वाले products use कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसी brand की use करने है, you can try some other brand also. और आप मेरे को please जरूर बताना comment section में कि आपको मेरी look कैसी लगी। और अगर आप भी ये लुक ट्राई करते हो और जब आप इंस्टाग्राम पे फोटोज डालोगे तो प्लीज मेरा भी हैंडल यूज करना, मुझे उसमें टैग जरूर करना। और मेरा हैंडल है @thatgirlaastha, आपको नीचे अभी नीचे मेंशन होके आ रहा होगा, तो प्लीज उसको यूज करना। प्लीज जरूर मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और मेरी वीडियो को प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।